हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं एसकेएम कंपनी का चिलर एयर कंडीशनिंग है जिसमें केरल कंट्रोल लगा है। अधिकतर आप लोग देखे होंगे कि हमारा एसकेएम कंपनी का जो चिलर एयर कंडीशनिंग है जिसमें एमसीएस मैग्नम का कंट्रोल रहता है, या चाहे एसकेएम कंपनी हो गया चाहे जामिल कूल लाइन हो गया, वो दोनों में आप लोग देखेंगे तो एमसीएस मैग्नम कंट्रोल रहता है, लेकिन इसमें हमारा केरल कंट्रोल है। तो इस कंट्रोल के वायरिंग डायग्राम के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका वायरिंग। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या पार्ट है, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम के लिए लगाया गया है, ये सब अगर जानकारी रहेगी तो वायरिंग समझने में आसानी होती है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट इस समझते हैं। तो आप लोग देख सकते होंगे कि ये हमारा कॉन्टेक्टर लगाया गया है जो कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे दो एक्सपेंशन है, इसमें दो, जैसे कि चार कंप्रेसर के लिए दो एक्सपेंशन है, तो इसमें दो बोर्ड लगाया गया है, दो एक्सपेंशन ड्राइव हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया है दो ट्रांसफार्मर है जो एक्सपेंशन ड्राइव को पावर देता है। ये ट्रांसफार्मर हमारा 220 वोल्ट से 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ से एसी से डीसी कन्वर्टर आ गया। ये हमारा जो डिवाइस है एसी वोल्ट से डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करता है। अब ये डीसी पावर किसके लिए कन्वर्ट करता है, जो हमारा यहाँ एक्सपेंशन का जो मेन बोर्ड है उसके लिए आता है। ये हमारा जो डिवाइस है ये डीसी वोल्ट पे काम करती है। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे मेन मदरबोर्ड हो गया, इसको जो मेन पैनल भी बोल सकते हैं या फिर मेन मदरबोर्ड भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हर एक कंप्रेसर में देख सकते होंगे कि एक एक सीटी कॉइल लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते होंगे कि चार कंप्रेसर है तो चार सीटी कॉइल भी लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पे चार कंप्रेसर के लिए चार मेन एमसीसी भी है। उसके बाद हमारा वहाँ ऊपर देख सकते होंगे कि इसमें 12 कंडेंसर फैन मोटर है, इसके लिए 12 कंडेंसर फैन कॉन्टेक्टर लगाया गया है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग इसका कंट्रोल समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि L1 से एक कंट्रोल के लिए पावर लेता है और वो सीधा पावर हमारा आता है यहाँ पे RCCB में। अब ये RCCB अगर ऑन है तो इसका आउटपुट मिलेगा हमारा MCB में जाएगा, जो टू पोल MCB है इसमें जाएगा। इसका आउटपुट मिलेगा तो हमारा जो सिंगल सिंगल पोल की दो MCB लगाई गई हैं इनमें जाता है। अब ये सब का आउटपुट मिलेगा तो हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर का आउटपुट मिलेगा तो हमारा बोर्ड में आएगा, और ट्रांसफार्मर का आउटपुट मिलेगा तो हमारा एक्सपेंशन बोर्ड में भी जाएगा। तो अभी हम लोग समझते हैं फर्स्ट जो मेन हमारा बोर्ड है इसको समझते हैं, इसका वायरिंग। तो एक बात और मैं आप लोग को बता दूं, देख सकते होंगे कि जो हमारा मेन बोर्ड है इसका ऊपर के जो साइड में है आउटपुट है, और जो नीचे के साइड में है इनपुट है। आउटपुट बोले तो इसका क्या है कि यहाँ से जैसे कंप्रेसर के लिए कमांड, सोलेनॉइड वाल्व के लिए कमांड, जैसे कि हमारा फ्लो स्विच के लिए पावर, और हमारा हो सकता है कि कंडेंसर मोटर के लिए कमांड, यहाँ से आउटपुट यहाँ से मिलता है। और जो नीचे के साइड में आप लोग देख सकते होंगे ये इनपुट है। अब ये इनपुट क्या है, जैसे कि हमारा HPLP का कमांड जो यहाँ पे मिलता है, जो हाई प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया, चाहे सक्शन टेम्परेचर सेंसर हो गया, चाहे डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर हो गया, चाहे हमारा चिल्ड वाटर इन हो गया, चिल्ड वाटर आउट टेम्परेचर सेंसर हो गया, ये सब का डिमांड कमांड जो है हमारा जो यहाँ पे मिलता है ये इनपुट है। तो फर्स्ट हम लोग इनपुट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आउटपुट को समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि जो GGO लिखा है यह इसका मेन पावर है, ये मेन मदरबोर्ड का मेन पावर है इसको चलने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि U1 U2 लिखा है। तो U1 U2 का है, तो U1 U2 मैं आप लोग को बता दूँ, जो U1 है हमारा चिल्ड वाटर इनलेट टेम्परेचर सेंसर है। उसके बाद हो जाता है हमारा जो U2 है चिल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर सेंसर का। यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये चिल्ड वाटर इन और चिल्ड वाटर आउट टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है U3 का है सक्शन प्रेशर कंप्रेसर वन का। इसमें हमारा जो U3 आप लोग देख सकते होंगे कि एक कंप्रेसर नंबर वन का है सक्शन प्रेशर। उसके बाद हमारा आ जाता है U4। अभी मैं आप लोग को U4 फर्स्ट बता दूं, देख सकते होंगे जो U4 है हमारा डिस्चार्ज प्रेशर कंप्रेसर नंबर वन का। जो U5 आप लोग देख सकते होंगे कि वो सक्शन प्रेशर कंप्रेसर नंबर 3 और 4 का, U5 यहाँ पर देख सकते होंगे कि कंप्रेसर नंबर 3 और 4 का है। उसके बाद हमारा आ जाता है U6। अब हम आपको U6 भी आपको पहले दिखा दूँ, देख सकते होंगे कि जो यहाँ पे
फर्स्ट हमको जो U5 यहाँ पे था उसके बाद हमारा आता है U6 यहाँ पे, देख सकते होंगे नीचे U6, U7, U8 है। तो U6 को पहले मैं आप लोग को बता दूँ, जो U6 है हमारा वो डिस्चार्ज प्रेशर कंप्रेसर नंबर 3 और 4 का होता है, और U7 है जो हमारा ऑयल प्रेशर कंप्रेसर 1 का। U7 से जो हमारा ऑयल प्रेशर का जो ट्रांसड्यूटर है उसके लिए पावर जाता है। उसके बाद आता है हमारा U8 है, U8 आ जाता है हमारा ऑयल प्रेशर कंप्रेसर नंबर 2 का। यहाँ पर देख सकते हैं कि U8 है ऑयल कंप्रेसर नंबर 2 का। उसके बाद आ जाता है हमारा U9 आ जाता है हमारा, जो यहाँ पर देख सकते होंगे कि U9 है। अभी आप लोग को मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जो देख सकते होंगे कि U9 और U10 है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे है U9 U10। तो U9 किसके लिए जाता है हमारा, ऑयल प्रेशर कंप्रेसर नंबर 3 के लिए जाता है, और U10 जो जाता है ऑयल प्रेशर कंप्रेसर नंबर 4 के लिए। तो सब एक बार और मैं आप लोग को बता, देख सकते होंगे कि जो U1, 2, 3 यहाँ पे था, उसके बाद U6, 7 यहाँ पे है, U9 और 10 यहाँ पे है। तो अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं, देख सकते होंगे कि जो यहाँ पे लिखा है ID1 लिखा है हमारा चिल्ड वाटर फ्लो स्विच के लिए पावर जाता है यहाँ से ID1 से। ID2 हमारा जाता है कंप्रेसर नंबर 1 ऑन ऑफ स्विच के लिए जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है ID3 कंप्रेसर नंबर 3, कंप्रेसर नंबर 2 ऑन ऑफ स्विच के लिए, ID4 कंप्रेसर नंबर 3 के लिए ऑन ऑफ स्विच है, और ID5 जो है हमारा कंप्रेसर नंबर 4 ऑन ऑफ स्विच के लिए जाता है। उसके बाद हमारा जाता है ID6 है, यहाँ पर देख सकते होंगे जो ID6 है ये हमारा जाता है सिंगल फेज प्रोटेक्टर कंप्रेसर नंबर 1, 2, 3, 4 सब के लिए जाता है, यहीं से ID6 से जाता है पावर। उसके बाद आ जाता है हमारा ID7, ID7 में MTR है, MTR और PTR लगाया जाता है, और ID8 में भी सेम रहता है MTR, PTR, कंप्रेसर नंबर 1, कंप्रेसर नंबर 2 और कंप्रेसर नंबर 3 के लिए लगाया जाता है ID10 तक। इसके बाद हम अगर हमारा जब इनपुट खलास हो गया था तो अभी हम लोग आउटपुट के बारे में समझेंगे। तो जो आउटपुट है आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे L लिखा है, उसके बाद N01 है, N02 है, उसके बाद N03 है, और यहाँ पे N04, N05 और N06 है। तो फर्स्ट हम लोग N01 को समझते हैं। N01 किसके लिए है, N01 जो हमारा होता है कंप्रेसर नंबर 1 का कमांड है, और फैन के लिए एक ही जगह से दोनों के लिए जाता है। उसके बाद आता है हमारा जो N02 है, N02 से जाता है हमारा कंप्रेसर नंबर 1 का जो सोलेनोइड वाल है उसके लिए पावर जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा N03 कंप्रेसर नंबर 2 के लिए कमांड भी है और फैन के लिए भी कमांड जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा N04 किसके लिए है, N04 हमारा जाता है कंप्रेसर नंबर 3 के जो कंप्रेसर नंबर 2 का सोलेनोइड वाल के लिए जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा N05 हमारा किसके लिए है, कंप्रेसर नंबर 3 के लिए कमांड है, और N06 है कंप्रेसर नंबर 3 के लिए सोलेनोइड वाल है, सोलेनोइड वाल के लिए कमांड जाता है। उसके बाद आता है हमारा N07 हमारा जाता है कंप्रेसर नंबर 4 का कमांड भी है, और एक फैन कंडेंसर मोटर के लिए जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा N08 जाता है हमारा कंप्रेसर नंबर 4 का सोलेनोइड वाल है। N08 आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते होंगे कि N08 दिख रहा है, N08 यहाँ पे है, देखिए N08 या कंप्रेसर नंबर 4 का सोलेनोइड वाल के लिए जाता है। उसके बाद ये हमारा जितना केबल है ये सब कंडेंसर मोटर के लिए पावर यहाँ से जाता है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, N08 जो खलास हो गया हमारा कंप्रेसर नंबर 1, अब N09 यहाँ पे देखिए बैक साइड में आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो बैक साइड में है N09 जो कंडेंसर मोटर के लिए पावर जाता है यहाँ पे, और N010 से, और ये जो भी इतना मतलब ए जंक्शन से और ए जंक्शन और ए जंक्शन से, ये चारों जंक्शन से हमारा पावर जाता है कंडेंसर मोटर के कॉन्टेक्टर के लिए पावर जाएगा यहाँ से। इसके यहाँ से कमांड जाएगा तो हमारा जो कंप्रेसर जो कॉन्टेक्टर है कंडेंसर मोटर का जो कॉन्टेक्टर है यहाँ से जब कमांड जाएगा तो चलने लगेगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जानने वाले हैं डायग्राम के साथ, फुल डिटेल वायरिंग डायग्राम जानने वाले हैं डायग्राम के साथ साथ। अभी तो हम लोग इसका बेसिक इस वीडियो में हम लोग समझ लिए कि कहाँ से कितना पावर कहाँ से निकल रहा है, किसके लिए जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायग्राम के साथ भी समझने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगा हो चाहे कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।